हाय गाइज, मैं हूँ मेघा एंड वेलकम टू पॉकी मेक्स हिंदी. सो दिस इज अनदर व्लॉग वीडियो गाइज. सो बज रहे हैं सुबह के 9:25. ब्रेकफास्ट हमारा ओवर हो गया है और ना वो जो है ब्रेकफास्ट के टाइम सुबह बहुत ही क्रैंकी होती है और बस इधर उधर घूमती रहती है. कुछ ना आजकल उसका नया ट्रेंड ये कि कुछ अगर उसका कहना ना मानो तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है. तो लेट मी नो कि आप सबके बच्चे भी ऐसा करते हैं कि नहीं, बिकॉज ना वो आजकल कुछ ज़्यादा ही बदमाश होती जा रही है. सारे बाल झमझुका के रहते हो, मम्मा बाबा तेल लगा के आपके बाल बनाती है और आप अपने बाल खराब कर देते हो. हाँ, और आप मम्मा की चप्पल पहनते हो. आजकल आप मम्मा की बड़ी बड़ी चप्पल पहनते हो. ऑल्सो गाइज, आई कट माई हेयर शॉर्ट. मैंने जो अपने बाल है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर लिए हैं. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा. नवू आ गई है. नवू, मेरा कैमरा नहीं छेड़ो ना. मम्मी बोल रही हैं कि मम्मी ने बाल कटवा लिए छोटे छोटे. मम्मी सबको बता रही हैं और नवू के भी कटवाने हैं, पर नवू के भी नहीं कटवाए हैं क्योंकि इट्स नॉट सेफ टू टेक किड्स आउट. मेरा कैमरा नहीं छेड़ो, मेरा कैमरा नहीं छेड़ो, मेरा कैमरा नहीं छेड़ो. नहीं नहीं, मेरा कैमरा नहीं छेड़ो ना. मम्मा मम्मा क्या आप ऐसे बनाएंगी ब्लॉग? मम्मा हाँ, मम्मा को आप ब्लॉग नहीं बनाने दोगे तो मम्मा ऐसे बनाएंगी आप? ऐसे करके कहाँ जा रहे तू? कहाँ जा रहे? बमाशी कर ले. छोटी मम्मी, आज मम्मा और बीतू कहाँ जा रहे हैं? पार्टी में जा रहे हैं ना. ये अब आपके हाथ में नहीं आएगा. ओए आ गया भाई. ओके, अब नहीं आएगा आपके हाथ में. आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ. सो गाइस, आज मैं और नवू के पापा एक फैमिली बर्थडे पार्टी में नेफ्यू की उसमें जा रहे हैं हम. और नवू, हम नए नए कपड़े पहनेंगे ना आज. सबको दिखाएंगे हम कौन कौन सी कपड़े पहनेंगे, है ना. शाम को जाएंगे हम बर्थडे पार्टी में. दिस इज अ बर्थडे पार्टी व्लॉग. सो गाइस, आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे नवू तो कब बोले बेटा, मेरा खराब हो जाएगा. आप छेड़ सकते हो? आप अभी भी छेड़ सकते हो? अभी भी लेना आपको. सो गाइज, आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेघा आपने अपने बाल क्यों कटवाए. तो यार बेसिकली ना रेनी सीजन में जो है बाल बहुत रेनी सीजन में बाल जो है वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है. और बड़े बालों की मैं बिल्कुल केयर नहीं कर पाती हूँ बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी. और देख रहे हो तुम कितना बदमाश है, तो अपनी क्या ही केयर करोगे. तो इसीलिए मैं अपने बाल रेनी सीजन में कटवा देती हूँ क्योंकि फिर मैनेज करना बहुत ईजिली हो जाता है और जो है हेयर फॉल भी मैनेज हो जाता है फिर. आप कर लो व्लॉग, है ना. सब आपको देख लेंगे, वैसे भी सब आपको ही देखना चाहते हैं. हाँ, वो बहुत ही अच्छा है. आज काफ़ी बारिश हुई है और बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है आज. तो गाइस, मौसम जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है आज. अदरवाइज जो है बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी पिछले कुछ दिनों से और दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू शूट अ लॉट ऑफ वीडियोस क्योंकि मन ही नहीं करता यू नो कि तैयार हो और शूट करो. चाहे एसी भी चला लो फिर भी वो एक यू नो रहता तो है. 24 घंटे एसी नहीं चला सकते हैं, तो जब चलाते हैं तब ठीक लगता है, बट नहीं चलाते तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है. तो आज कंपैरेटिवली फिर भी अच्छा मौसम है. एंड ऑल्सो लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी गुड न्यूज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट फिनिश्ड माई वर्क नबू के ब्रेकफास्ट करने से पहले, बिकॉज उसके बाद वो बिल्कुल कहती है कि मम्मा अब आप आओ, आप कहाँ हो. तो मैंने अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है. आज का वीडियो जो है वो आएगा एट 1 PM. सो मैंने अपने एडिटिंग का काम कंप्लीट कर लिया है. वीडियो जो है स्केड्यूल कर दिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप लोग में से कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आजकल जो वीडियो है वो 1 PM पे आता है इंस्टेड ऑफ 10 AM. मैंने अपना टाइम चेंज कर दिया है बिकॉज मोस्टली पीपल 1 बजे फ्री होते हैं, इसलिए मैंने 1 बजे का टाइम कर दिया है. ऑल्सो मैं जो है बहुत ही जल्दी जयपुर जाऊँगी. मम्मी पापा बहुत टाइम से बुला रहे हैं तो अब हमको टाइम मिला है, तो हम लोग करीब अ वीक के लिए विल गो टू जयपुर. एंड देखते हैं अगर माहौल ठीक रहा तो थोड़ा बाहर भी घूमने जाएंगे. एंड आई विल मेक सम व्लॉग्स. मार्केट नहीं जाएंगे, जो बापू बाजार वगैरह एकदम क्राउडी मार्केट नहीं जाएंगे, बट वैसे ही थोड़ा बहुत ड्राइव पे जाएंगे एंड दो प्लेसेस थोड़ी सी नॉन क्राउडी है वहाँ पे जाएंगे. सो गाइज, आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड न्यूज. एंड नवू फिर आ गई है और वो मेरा कैमरा ले लेगी. नवू नहीं बेटा, नहीं बदमाशी अच्छी नहीं करते हैं. बदमाशी अच्छी नहीं करते. ऐसी बदमाशी नहीं करते है ना. नूनू करती ना. नूनू ओ सो गाइज, गुड न्यूज़ ये है कि बहुत टाइम मैंने एक व्लॉग डाला था, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग
कार रिसर्च कर रहे हैं और हम कार देखने गए थे. तो यस, वी हैव बुक्ड आर कार एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी गाइज. ये मेरा एक ड्रीम था और सब आप लोगों की वजह से यू नो ये सफल हुआ है, बिकॉज यू ऑल गेव मी सो मच लव और यू नो काम में जो है इतना प्यार मिला. तो आई प्रोग्रेस्ड इन दिस वर्क एंड आई फाइनली बुक्ड माई ओन कार विद माई ओन मनी. यस, आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट. मुझे याद है जब मेरी फर्स्ट स्कूटी आई थी, व्हेन आई गॉट इन इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे पापा ने मुझे स्कूटी गिफ्ट की थी ऑन फर्स्ट डे एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड. और ऐसा नहीं लगता था कभी कि कोई यू नो अच्छी बड़ी कार, ऐसा नहीं सोचा था कभी कि हाँ लेंगे, बिकॉज स्कूटी उस टाइम यू नो इतनी बड़ी चीज़ थी कि हाँ स्कूटी ले ली है. सो आई वुड जस्ट से दैट फॉलो योर ड्रीम्स, वर्क हार्ड ईच डे. ऐसा मत सोचिए कि यू नो बिना वर्क हार्ड के आपको कुछ मिल जाएगा. सो और मैं ये भी कहूँगी कि ऑलवेज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. चाहे मैंने ना प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू देखा था और मुझे एक बात जो प्रियंका ने बोली वो बहुत अच्छी लगी कि नो मैटर हु योर फादर इज, नो मैटर हु योर हस्बैंड इज एंड नो मैटर हु योर सन इज, यू शुड बी, एवरी वुमन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो मतलब ये है कि हम लोगों को कभी भी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए फाइनेंशियली. चाहे वो अपने फादर हो, अपने हस्बैंड हो, अपने सन हो, हर आदमी को अपना खुद कमाना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्पेशली अस वुमेन. मुझे लगता है हमें ज़रूर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए गर्ल्स. एंड मेरी मम्मी ने हमेशा मेक श्योर किया कि मतलब मेरे में बचपन से चीज़ डालने की कि एवरी वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. क्योंकि क्या होता है कि जब आप कमाते नहीं है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, क्योंकि आप ऑलवेज दूसरों पर डिपेंडेंट हैं फॉर मनी. एंड भगवान ना करे कभी कोई यू नो ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको ये सोचना पड़े अब कि मैं फाइनेंशियली मैं कैसे करूँगी अब, बिकॉज आई डोंट अर्न. तो आई वुड जस्ट से कि आप चाहे बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, बट डू समथिंग एंड अर्न समथिंग. इससे आपका कॉन्फिडेंस ना एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा गर्ल्स. एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस गुड न्यूज़ विद ऑल ऑफ यू कि हमने अपनी फर्स्ट जो अच्छी कार है वो बुक कर ली है. एंड जब वो आएगी तो आई विल श्योरली मेक अ व्लॉग. बट ये थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस. अब हम नहाने के बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है? अब हम खेली खेली करते हैं, मस्ती करते हैं. हाँ, आप भी ब्लॉगिंग करोगे? यू ऑल्सो वॉन्टेड टू ब्लॉगिंग? डांसी 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 करनी है आपने? डांची डांची कहनी है ना वो ने? खेलो 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 खेलो. ये 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 खेलो खेलो खेलो. हाँ. ओ कहाँ हुई? बॉल पीछे तक गई. अच्छा पीछे तक गई. हटाओ अभी निकालू. हटो 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 हटो. निकल गई निकल गई. लेके आओ. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. यस. हे गाइस, सो फाइनली आई टुक बाथ. इट्स 11:25 AM और नवू को भी मैंने नहला दिया है. आ गई है नवू. ये देखिए पीछे 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 नवू भी नहा गई है ना. नवू भी नहा गई, मामा भी नहा गए, दोनों ने नलन कर लिए ना. हाँ, बदमाशी नहीं करनी है मम्मा का कैमरा आते ही. अब नवू बड़ी हो गई, अब नवू व्लॉगिंग भी नहीं करने देती है, बिकॉज उसे लगता है कि कुछ स्पेशल हो रहा है तो वो भाग भाग के आ जाती है. नवू का प्ले टाइम. नवू अपनी बॉल से खेलेगी थोड़ी देर और फिर नवू नीनी कर लेगी, है ना? नवू आप नीनी कर लो प्लीज, ताकि हम थोड़े से काम कर लें. थोड़ी सी नीनी कर लो, थोड़ी सी तो कर लो. नहीं 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 बोल देती है आजकल. नहीं, मैं नहीं करूँगी नीनी. कर लो तुम लोग जो करना है, है ना? हे गाइस, मैंने अपनी हेयर लेंथ इतनी छोटी करा ली है. यस, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो वेट है वो चला गया है सर से. एंड आई थिंक अब मैं मैनेज कर पाऊंगी एक बच्चे के साथ अपने बाल भी, बिकॉज आई एम श्योर जो नई मॉम्स हैं वो जो है एक्सेप्ट करेंगी कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन यू हैव अ स्मॉल बेबी. सो गाइस, मैं आपको ये भी पूछना चाहती हूँ थी कि आप लोग कैसे हैं अब, बिकॉज पेंडेमिक के बाद अब धीरे धीरे जो है चीज़ें ओपन अप हो रही हैं.
एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि जो वक्त है ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है हम सबके लिए. इवन मुझे इस पूरे पेंडेमिक में कई बार बहुत लो फील हुआ है, बहुत लोनली फील हुआ है, बहुत ही डिप्रेसिंग फील हुआ है, बिकॉज इट वक्त ही बहुत ही डार्क था. एंड इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप लोग जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ हो गए. एंड हम जो इंसान हैं, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो विदाउट ह्यूमन कॉन्टैक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. मुझे याद है जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैं एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती थी वो ना ही मेरा ऑफिस था और ना ही मेरा काम था, बिकॉज मुझे अपना फुल टाइम यूट्यूब का काम बहुत ज़्यादा पसंद है. लेकिन मैंने जो सबसे ज़रा मिस की चीज़ वो थी अपने जो कॉलीग थे उन लोगों के साथ लंच करना, वो चिट चैट का टाइम, यू नो, टीम डिनर्स, टीम लंचेस, बॉन्डिंग का टाइम. तो वो मैंने बहुत मिस किया व्हेन आई लेफ्ट जॉब. तो हाउ आई कोप्ड अप विद इट, धीरे धीरे मुझे एक्सेप्ट हो गया कि अब मुझे अकेले ही ये काम करना है एट होम. तो दिस काइंड ऑफ अ लोनली जॉब, येस, यूट्यूबर्स लाइफ इज लोनली. तो मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि ऑफिस जैसा इन्वायरमेंट अब नहीं रहेगा कि आपके अराउंड बहुत सारे लोग रहेंगे. तो मैंने खुद की जो कंपनी है उसको यू नो एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया. और मैं वीक में दो बार, एक बार कभी मॉल चली जाती थी बिकॉज तब नवू नहीं थी, एंड एक दिन मैं जैसे कैफेज चले जाती थी लंच टाइम में. एंड ऐसे यू नो अच्छा सा एनवायरनमेंट कुछ एंजॉय करती थी तो मुझे अच्छा लगता था. एंड देन रेस्ट ऑफ द डेज मैं अपना शूटिंग करती थी, एंड वीकेंड्स पे मेरे हस्बैंड ऑब्वियसली घर होते थे तो फैमिली टाइम एंजॉय करती थी. तो इस तरह आई कोप्ड अप. तो इस तरह आई नो ये वाला जो टाइम है दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बट हम लोगों को इसी तरह ये टाइम कोप अप करना है. जैसी भी कंडीशन है, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दैट इज़ अ हेल्दी बॉडी एंड अ पीसफुल माइंड. बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं. ये जो पैसा, शोहरत, सक्सेस ये सब लोग बोलते हैं, ये सब सेकेंडरी हैं. अगर आपके पास एक हेल्दी बॉडी है, पीसफुल माइंड है, तो आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं ऐसा मुझे लगता है. आपके पास सब कुछ है. सो बस जल्दी से नवू के सोने के बाद जो है मैं बाल स्ट्रेटन करूँगी, बिकॉज ऐसे तो ये बहुत झबरू लगते हैं. तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो अपने जो बाल हैं वो स्ट्रेटन करती हूँ. तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ या यू नो कुछ गेटअप में होती हूँ तो मैं अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ, तो वो काफ़ी प्रेजेंटेबल लगते हैं, जैसा कि आपने राखी लुकबुक में देखा होगा. ऑल्सो कुछ जो वीडियोज़ हैं, दो तीन वो पहले के शूट किए हुए, उनमें लंबे बाल हैं, तो मुझे मत पूछना कि दीदी आपके बाल इतनी जल्दी कैसे लंबे हो गए, बिकॉज वो पहले शूट हुए थे. और अब के सारे वीडियोज़ जो हैं वो एकदम शॉर्ट हेयर में होंगे. ऑल्सो मुझे क्विकली पैकअप करना है फॉर जयपुर, बिकॉज हम लोग जयपुर जाएंगे और हम चाहते हैं कि सुबह सुबह निकल जाएं, बिकॉज नबू जो है आजकल गाड़ी में यू नो हंगामा मचा रही थी. अगर उसके कुछ यू नो मन का काम नहीं हो रहा हो तो बच्चे क्लोज स्पेस में, क्योंकि ये जो बच्चे ये पेंडेमिक में जो पैदा हुए हैं ये घर में ही है, इनका ह्यूमन कॉन्टैक्ट जीरो है. तो इसको जब गाड़ी में ले जाते हैं तो इसको लगता है मुझे कहाँ ले आए, मुझे बंद क्यों कर, बहुत हल्ला मचाती है. तो आई डोंट नो, हम लोग बहुत डरे हुए हैं इस बार, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई अब ये, और अब ये हाईवे में हंगामा ना मचा दे. क्योंकि कल हम ऐसे ही सीपी गए थे बस ड्राइव पे, बाहर नहीं उतरे, लेकिन इसने रास्ते में हंगामा मचा दिया. एंड देन मैंने इसको मुश्किल से सुलाया, तो हम दोनों बहुत ही स्केर्ड हैं कि पता नहीं ये हाईवे पे क्या हंगामा करेगी. तो वो व्लॉग में दिखाएंगे कि क्या हुआ रास्ते में एंड कैसे हम पहुंचे जयपुर, तो उसका व्लॉग जरूर बनाऊंगी. सो अभी फटाफट से मैं बाल स्ट्रेटन अप करती हूँ, देन मैं आउटफिट्स प्रेस करूंगी जो शाम को हमको पार्टी में पहनने हैं. मेरे नेफ्यू का आज बर्थडे है, उसका बर्थडे मुझसे दो दिन पहले आता है. मेरा 7 अगस्त को आता है, उसका 5 अगस्त को आता है. ये जो व्लॉग है आई थिंक ये सैटरडे आएगा, मेरे बर्थडे पे आएगा. यस, तो जब आप ये व्लॉग देखेंगे तब मेरा बर्थडे होगा और मेरी मम्मी होपफुली मिल गई, बहुत अच्छी अच्छी सी पकौड़ियाँ बनाएंगी मेरे बर्थडे पे. बहुत टाइम बाद मैं अपना बर्थडे जो है वो जयपुर में मनाऊंगी. सो दिस इज हाउ इट इज. हे गाइस, बज रहे हैं 6 और बीच का सारा मैंने कट कर दिया क्योंकि हम सो गए और उठ के फिर फटाफट तैयार हुए क्योंकि टाइम पे पहुंचना है. तो मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने पहना है सूट, आपको फुल लुक अभी दिखाऊंगी और नबू की ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ. नबू सबको दिखाओ अपने क्या क्या पहना है मेरे क्यूट नबू ने. ये बोलो हेलो मासी लोग, कैसे लग रहा हूँ मैं, क्यूट लग रहा हूँ. एंड गर्ल्स दिस इज हाउ आई लुक. मैंने सूट पहना है, हाथ में वॉच एंड ब्रेसलेट, एंड ये नजराना वाला ब्रेसलेट पहना है, मुझे मेरा फेवरेट है, कानों में ये इयररिंग्स, एंड दिस इज माय कंप्लीट लुक. सो गाइस दिस इज अ वॉच एंड द ब्रेसलेट. ये ब्रेसलेट मैंने ज़ारा से लिया था और बिल्कुल गोल्ड लुक का लाइक लगता है, तो मुझे बहुत ही पसंद है ये. एंड इस हाथ में पहना है मैंने नजराने ईविल आई वाला ब्रेसलेट, ये भी लेटेस्टली मुझे किसी ने दिया है. एंड कानों में पहने हैं ये वाले इयररिंग जो मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजे थे. एंड दिस इज माय कंप्लीट लुक. बहुत गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, फटाफट इसी में बैठेंगे. एंड दिस वॉज टुडेज ब्लॉग. आई होप आपको
आपको पसंद आया। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट आई थिंक जयपुर में, क्योंकि इससे बाद आई थिंक जयपुर का व्लॉग आएगा, क्योंकि हम जयपुर जा रहे हैं कल सुबह। यस, पार्टी से आएंगे एंड कल सुबह जयपुर निकलेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।